नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्ट्रीट भारत आपको लेके आ गया है होली के दिन बरसाना, क्योंकि नंदगांव और बरसाना की होली पूरी दुनिया में फेमस है और राधा रानी का गांव यानी बरसाना, जहां पर होली बहुत ही धूमधाम से खेली जाती है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ रहे होंगे कि कैसे यहां पर होली खेली जा रही है। आज होली का एक एक रंग बरसाना से हम आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बरसाना के उस गांव में जहां राधा रानी और कृष्ण जी खेला करते थे होली। आपको ब्रज के अंदर कान्हा जी की सखी कहा जाता है, किस तरीके से खुशी है होली की? देख ही रहे हो कैसे खुशी हो रही है, आपके भी बता दिए। ब्रज की होली दुनिया भर में फेमस है, आपको सखी कहा जाता है, कान्हा जी की कितनी खुशी है और राधा रानी की तरह क्या पूरे बरसाने में इसका होली का रंग दुगना है। राधा जी की सखी कहा जाता है, राधा जी की सखी कैसे होली मना रही है? राधा जी की सखी यहाँ पे बहुत आनंद ले रही है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों का समाज जुड़ा हुआ है उसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है। पर इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से गलत फायदा भी उठाते हैं, पर मेरी यही दरखास्त है प्रशासन से कि उस चीज़ को बनाए रखे, यहाँ पे सखियों की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखे। बस राधे राधे। एक सवाल और, कान्हा जी को प्रेम उनकी सखियाँ सबसे ज्यादा करती थी और कहा जाता है कि सखियाँ अपना घूंघट इसलिए थोड़ा नीचे रखती। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे हम सखियाँ हैं बरसाना में से इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सखियों का आराधक। होली का त्यौहार है और बरसाना में हम पहुंच गए हैं, किस तरीके से बरसाना में होली हो रही है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बात भी करते हैं कैसे कैसा लग रहा है बरसाना। आज स्वर्ग लग रहा है। कान्हा जी ने होली खेली थी राधा रानी के साथ, तो किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ का ब्रजवासी ही हूँ, पिछले 5 साल से आ रहा हूँ, पर पिछले 2 साल से हम 40-50 लोगों को जो देश के कोने कोने से आए, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, वहाँ से हम लोगों को लेके आते हैं और ये हमारी मंशा रहती है, ये संदेश देने का उद्देश्य रहता है कि ब्रजभूमि में आइए, ब्रजभूमि सेफ है, आप बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिए कि छेड़खानी होती है, ब्रज जैसा रस कहीं नहीं है। बोलो वाकई बिहारी लाल की। एक सवाल और, जैसे कहा जाता है कि होली पे रंग चढ़ता है लेकिन यहाँ का रंग कई दिनों तक नहीं उतरता, क्या वाकई सच है? कृष्ण भक्ति ऐसी है कि जिंदगी बीत जाएगी कृष्ण का रंग नहीं उतरेगा, तो और हम ब्रज भूमि में हमारा सौभाग्य है तो हम कैसे मान ले कि ये 1 दिन 2 दिन 2 साल 4 साल में उतर जाएगा। और ब्रजवासी होने की खास बात ही यही है कि जीवन पर्यंत आपका जो ब्रज रंग है वो कभी नहीं उतरेगा जन्मों जन्मों तक। थोड़ा सा गा के सुना दीजिए और नाच के दिखा दीजिए। नाच गाकर यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है क्योंकि ये बरसाना है, राधा रानी का गांव, और यहाँ पर किस तरीके से होली मनाई जाती है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मथुरा लाल जी है, ग्राम सोनी, तहसील दिगो, जिला कोटा। हाँ, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, गुलाल हो रही है, जैसे लोग आते हैं बहुत हमारी कला करते हैं। मथुरा जी सोनी तो बरसाने की होली है और बरसाने के अंदर जब हम आए हुए हैं तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अपना नाम बताइए।
सुनील शर्मा। शर्मा जी कहाँ से आए? मैं दिल्ली उत्तनगर से आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत रंगीन माहौल है। हम पहली बार परेशानी की हो रही देखने के लिए आए हैं। बड़ा चाव था, बड़ी उमंग थी, और यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान साक्षात्कार यहाँ गए हो। इतनी अच्छा माहौल हमने पहले कभी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते हैं कि कान्हा जी ब्रज में खेलने आते, बरसाना में होली खेलने आते हैं। ये अभी भी कहा जा रहा है कि ये कलयुग है, लेकिन फिर भी कान्हा जी बरसाने में होली खेलने आते हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आप इस बात को जरूर फील करोगे कि हाँ कृष्ण भगवान आते हैं और वो होली खेलते हैं। और आप लोगों को यहाँ का माहौल देख के आपको लगेगा कि नहीं ये कलयुग है, आपको लगेगा आप सतयुग में हो, द्वापर युग में हो, साक्षात कृष्ण भगवान यहाँ आए हुए। और यहाँ की होली मेरे साथ में माहौल नहीं होगा। कैसा लग रहा है, कितनी खुशी? ऐसा सुंदर दृश्य मैंने होली का आज से पहले अपने जीवन में नहीं देखा। पहली बार हमारी बरसाने की होली है और बहुत अच्छा और आनंद का तो ऐसा अनुभव हो रहा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साक्षात कृष्ण भगवान राधा रानी अब विराजमान है, सबके अंदर है और उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। होली कई जगह आपने देखी होगी, लेकिन बरसाना के जो होली है उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बरसाने का अगर रंग चढ़ गया तो जिंदगी भर नहीं छूटता। नहीं छूटेगा ये रंग, नहीं छूटेगा ये बरसाने वाली सरकार का रंग है। हम हर महीने आते हैं यहाँ परिक्रमा देने और जिंदगी राज्य की, और अब की बार हमारे अंदर शुरू से ये भाव था कि हम अब की बार बरसाने की होली, और आज हमारा सपना साकार हो गया। बल बरसाने वाली की जय, राधा रानी की। राधा रानी के यहाँ पे आए, मतलब जो एक असली आनंद जीवन का वो यहाँ पे मिलता है। और कहीं भी घूम लो, कहीं भी कमा लो, पैसा कमा लो, कहीं पढ़ लो, पर एक आनंद मिलता है ना जो एक भीतर का, वो इधर ही मिलता है भाई। और राधा रानी की जय। लक्ष्मण होली के अब निमंत्रण के बाद में आते होली खेलने के लिए यहाँ के बाद में प्रिया कुंड में यहाँ पे उनको पहले सभी आगे काम पुरुष जाते हैं, वो उनको सम्मान लेके आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बाद में होली होती है शाम तक। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने लाइफ में बहुत टाइम नहीं आया और जब मैं आया मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, सभी को देखा, सबको देखा, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आते। मैं हर साल आना चाहूँगा यहाँ पे। तो वैसे तो भाई साहब हम हरियाणा से आए, कैसा लग रहा है भाई साहब? खूब के आनंद आ रहे, पूरे मन मन से आए भाई साहब। तो बरसाने में हम आए हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कितना आनंद लोगों को आ रहा है। आप अपना नाम बताएं। अवनीत कौर। अवनीत जी कैसा लग रहा है बरसाने में आकर, राधा रानी की नगरी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा थर्ड ईयर है कि मैं कंटिन्यू तीसरे साल आ रही हूँ, तो सोचो कितना आनंद आ रहा होगा। पर रश बहुत है, बहुत रश है, सेफ्टी के साथ आओ, बस मैं यही कहूँगी कि सेफ्टी के साथ। हाँ आनंद यहाँ पर बहुत 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 बहुत, होली का ही तो आनंद है। आपका नाम? कमल। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया। बस थोड़ी इन्होंने बात कही रश है, बस बाकी अपना आओ बिल्कुल एंजॉय करो, बहुत अच्छा। रोहित वाजपेयी। बहुत अच्छा, बहुत आनंद फील हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का जो होली होता है, होली का माहौल जो यहाँ पे है वो बहुत
अलग ही माहौल है बिल्कुल। यहाँ का जो होली है वो सबसे अलग है, बिल्कुल बेस्ट होली है, और यहाँ पे आके मतलब बहुत आनंद फील होता है। राधे राधे जी, हम पलवल से आए हैं। पलवल से होली, और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है? यहाँ पे और पलवल जी में बहुत ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे बहुत अच्छा मन लग रहा है, बहुत अच्छी लगी, पहली बार आए हैं हम होली, बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आएंगे? हर साल आएंगे जी, हर साल। राधे 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 जय। राधा रानी का नाम है और राधा रानी का नाम ले लेके यहाँ पर होली खेली जा रही है, जो तस्वीर बेहद खूबसूरत लग रही है। और लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि पहला साल है, कोई कहता है कि हर साल आते हैं, लेकिन ये आनंद है जो दिखाता है कि बरसाना कितना खूबसूरत होली के त्योहार पर हो जाता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, शिष्य भारत के लिए।